राजनीति ना किया जाए, हम सब एक हैं, कोई जात धर्म नहीं है, सबके लिए मुफ्त होना चाहिए। केजरीवाल इसके पैसे लेंगे? ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं केजरीवाल है। वो पहले देते हैं फिर डबल में लेते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इसके लिए वह अपनी पूरी तैयारी कर चुकी हैं। दिल्ली सरकार के लोग हर वैक्सीनेशन बूथ पर जाकर जायजा ले रहे हैं। आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैक्सीन की कीमतों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार मुफ्त में दिल्ली वासियों को कोरोना की वैक्सीन नहीं देती तो दिल्ली सरकार सभी दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दिलाएंगी। ऐसे में हम दिल्ली की आम जनता से जानना चाहेंगे कि उन्हें किस पर विश्वास है, मोदी सरकार पर या फिर राज्य की केजरीवाल सरकार पर। सर आपका नाम? मेरा नाम परमात्मा मिश्रा। परमात्मा जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर आपको आपका कितना विश्वास है वैक्सीन के ऊपर? मुझे तो 100% विश्वास है। मतलब पूरी कारगर है वैक्सीन? बिल्कुल। अच्छा, आपने कोविन ऐप के बारे में सुना है? क्या कोविन ऐप के बारे में? मतलब कोरोना की ऐप बनाई गई है कोविन ऐप, तो उसमें सब डिटेल्स वगैरह सब कुछ होती हैं, तो आपने सुना है उसके बारे में? अभी सुना नहीं है, बाकी आएगा तो पता लग जाएगा। अच्छा, अभी तक नहीं सुना है आपने। अच्छा, कोरोना की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, तो आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया? अभी तक तो नहीं कराया, हमारे पास कोई आया ही नहीं। अभी आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? आपको ये पता है कि कोरोना वैक्सीन लेने से पहले उसके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं? मैं तो यही सुनता हूँ कि 50+ के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन को लेके आपने कुछ नहीं सुना है? नहीं, रजिस्ट्रेशन बारे में नहीं सुना। तो जो 50+ वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी उसके लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी है या क्या क्या दस्तावेज जमा कराने हैं या फिर ऐसी डायरेक्ट वैक्सीन लगाई जा रही? आईडी प्रूफ तो चाहिए उसके लिए, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो। अच्छा, मतलब ये आईडी प्रूफ चाहिए तब वैक्सीन लगेगी। अच्छा, कोरोना की वैक्सीन को लेके कुछ अफवाहें बन रही हैं, जैसे कि उसमें मीट मिलाया जा रहा है, मांस मिलाया जा रहा है, या फिर वो बकवास है। 100% ये बकवास है, ये सब बकवास है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो ग्लूकोज का पानी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। ये जब इंडिया गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाया तो बीजेपी की कहाँ से हो गई? हाँ, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम बीजेपी की वैक्सीन पे भरोसा नहीं करते हैं, तो ये उनका कहना सही था कि गलत था? ये बकवास है मैडम, 100% गलत है। अच्छा, कोरोना की वैक्सीन लगने से क्या कोरोना सच में खत्म हो जाएगा या फिर एक भ्रम फैलाया जा रहा है? मैडम, ये भ्रम नहीं फैलाया जा रहा। जैसे दूसरी बीमारियाँ उनका वैक्सीन लगा के का नाम है कम किया जाता है, या मतलब जब उस रोग से बचने का उपाय किया जाता है, उसी तरह से ये भी वैक्सीन लगाएंगे तो इससे राहत होगी पब्लिक को। अभी आज ही मतलब आजकल में केजरीवाल जी ने ये कहा है कि दिल्ली में एक दिन में 100 वैक्सीन लगाए जाएंगे, लेकिन दिल्ली में इतने लोग हैं तो वो 100 वैक्सीन अगर लगेंगी तो धीरे धीरे वो कब तक पूरी दिल्ली तक वैक्सीन पहुँचेगी, तो उस बारे में आपकी क्या राय है, कितना समय लग जाएगा इस तरीके? 15 साल लगेगा। 10-15 साल लगेंगे? बिल्कुल। आपका नाम? माय नेम इज अंजलि। आपका नाम? राबिया। राबिया, और अंजलि जी, कोरोना की वैक्सीन आ रही है कल से जी? नहीं, कल आज से स्टार्ट होने वाली है जी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना, कितना विश्वास है आपको वैक्सीन के ऊपर? बहुत ज़्यादा विश्वास है, अच्छा लग रहा है कि वैक्सीन आने वाली है। ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है, इसकी वजह से हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, बार बार 15 मिनट बाद सैनिटाइज करो। तो मैं तो ये चाहती हूँ, अच्छी बात है ये आ रही है और जल्दी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी। आपका क्या कहना है कि आज से वैक्सीन स्टार्ट होने वाली है जैसे, तो आपका कितना भरोसा है वैक्सीन के ऊपर? मुझे तो सच बोलूं, मुझे विश्वास ही नहीं है। नहीं विश्वास है, पूछना चाहूँगी क्यों? ऐसे तो आए दिन नई नई बीमारियाँ आती थी, बट उस चीज़ के लिए तो मेडिसिन आती थी, तो तभी तो इंसान कंफर्टेबल फील नहीं करता था, बट इस मेडिसिन से, इस वैक्सीन से तो कैसे करती, तो मैं नहीं मौजूद, बाकी लोगों को नहीं पता मुझे। अच्छा, आपने कोविन ऐप के बारे में सुना है? यह सुनी हुई है, थोड़ा बहुत पता है। आपने? हाँ सुना, आपके मुझे सुना। अच्छा, आपको ये पता है कि वैक्सीन लगाने से पहले उसके रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं,
तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? नहीं मैम, अभी तो नहीं करवाया, अभी आपसे ही सुना है, तो सोचेंगे करवाने की। मैं भी चाहती हूँ, मैं भी ट्रैवल करती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, सबसे पहले तो मैं ही लगवाऊंगी। अंकल जी, कोरोना की वैक्सीन आज से शुरू होने वाली है, आपको उसके ऊपर कितना विश्वास है कि वो वैक्सीन कितना कारगर रहेगी? ये तो साइंटिस्ट बता सकते हैं, हम क्या बताएंगे उसके बारे में। तो अभी आपका कुछ तो विचार होगा ना कि विचार बताइए। विचार होने से हमारे क्या ये नहीं है, सरकार ने बनाया है तो ठीक ही होगा। अच्छा, कोरोना को लेकर एक ऐप बनाई गई है, मतलब जो एंड्रॉइड फोन है ना, कोविन ऐप बनाई गई है, आपने सुनी है? हाँ, यूज़ है, मोबाइल में है। अच्छा, आपने इंस्टॉल किया हुआ है? हाँ, तो मतलब आपको उसके बारे में पता है कि वो ऐप किस लिए बनाई गई है? वो आसपास कितने कोविड-19 पेशेंट हैं उसके बारे में जानकारी देता है, दिल्ली में कितने पेशेंट हो चुके हैं उसके बारे में जानकारी देता है, कितने मर गए हैं उसके बारे में जानकारी देता है। आप इस बारे में जानते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो स्टार्ट हो रही है आज से, उसके लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहले किए जा रहे हैं? हाँ। तो वो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवाया? अभी कहाँ करवाएंगे, अभी हमारा नंबर ही नहीं आएगा, पहले मेडिकल स्टाफ, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट आएगा, फिर पब्लिक का आएगा नंबर। जब भी रजिस्ट्रेशन कराने का नंबर आएगा तो आप कराएंगे रजिस्ट्रेशन? हाँ, क्यों नहीं करवाएंगे। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिन जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ रही है आपको इस बारे में पता है कि कुछ? उसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है आपको? अच्छा, वैक्सीन को लेकर ना ये अफवाह उड़ाई जा रही है या भ्रम फैलाया जा रहा है लोगों के अंदर कि वो मीट से बनी है, मांस से बनी है और ग्लूकोज के पानी से बनी हुई है, तो ये आपको ऐसा लगता है कि वैक्सीन में सच में ये सब कुछ मिलाया गया हुआ है? ऐसा मैडम, जो साइंटिस्ट होते हैं ना वही बता पाएंगे कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है, बाकी मैं तो बोल दूंगा उसको चांद से मिट्टी आई थी, चाइना लेके आई थी और उसमें डाल दी है, मगर ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट बताएंगे क्या है और क्या नहीं है। हम अफवाहों पर भरोसा नहीं करते। तो मतलब आपको नहीं, अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें चाहे कुछ भी मिला हुआ? पहले तो 1,00,000 डॉक्टरों को लगेगा, अगर डॉक्टरों को ही जो जितने भारत में डॉक्टर हैं, पहले मेडिकल स्टाफ के लिए बोल रखा है, अगर कोई होगा तो 2-3 महीने में अपना रिजल्ट पता पड़ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमारा नंबर तो बहुत बाद में। तो आपको क्या लगता है कि वैक्सीन आने से सच में कोरोना खत्म हो जाएगा बिल्कुल जड़ से? नहीं, जड़ से नहीं होगा तो कम से कम कुछ तो कम होगा। कुछ कम होगा मतलब जड़ से खत्म? जड़ से खत्म नहीं होगा। तो वैक्सीन जो स्टार्ट हो रही है आज से, उसके बाद भी हम जो ये मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन कर रहे हैं, ये तब भी हमें शुरू मतलब जारी रखना होगा या बिल्कुल सब कुछ खत्म करना होगा? मैडम, कभी आप ICU में गए हो या होम ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पर आज भी इस चीज़ को फॉलो करा जाता है, विदाउट मास्क विदाउट हेड के लिए अंदर नहीं घुसने देते, चाहे आप कैजुअलिटी में जाओ चाहे वन में चले जाओ, जितना दूसरे से डिस्टेंस में जाकर रखोगे ऑलरेडी आप सेफ हो, चाहे कोरोना था नहीं था, होगा या नहीं होगा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आप कितना अपने आप को सेफ महसूस करते हो, तो सेफ दूसरे से अलग हट के ही हो पाएगा। आपको अगर जुखाम भी आएगा आप छींक दोगे, मैं आपके बराबर में खड़ा हूँ तो मुझे हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक ही साइड इफेक्ट है कि एलर्जी है कि आपने छींका आपके कीटाणु मेरे अंदर गए, मैंने छींका उनके अंदर गए, वही कोरोना का हिसाब किताब है, जितनी दूरी उतना फ़ायदा। मतलब ये मास्क वगैरह हमें जारी रखना है? ये तो अपनी सेफ्टी के लिए है, अगर आप जारी रखो रखो नहीं रखो तो आज भी बहुत से घूम रहे हैं जो मास्क नहीं लगाते। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना वैक्सीन जो है अभी के लिए मुफ्त है, वो तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ अभी के लिए मुफ्त है या आगे भी मतलब लंबे टाइम तक मुफ्त रहेगी? देखिए, मेरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सब्बीर। इस बारे में देखिए, राजनीति ना किया जाए, हम सब एक हैं, कोई जात धर्म नहीं है, सबके लिए मुफ्त होना चाहिए, सरकार अपने फायदे के लिए डिसाइड करेगी। हाँ? चीफ मिनिस्टर डिसाइड नहीं करेगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया फ्री तो फ्री, अगर कहा स्टेट गवर्नमेंट भी फ्री अनाउंस कर सकती है, लेकिन मगर ये तो सेंट्रल के अधीन है ना, अभी तो मेडिसिन जो है सेंट्रल के अधीन है, जब तक स्टेट के पास आएगी फिर स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि कब हमारा नंबर आया कब नहीं आएगा, लेकिन जब नंबर आएगा ऑलरेडी जैसे दीनदयाल वगैरह में जाओ कि भाई फीवर का इंजेक्शन लगा दो पैरासीटामोल का, ऐसा उसका भी होगा, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो कोई चीज़ मार्केट में नहीं है, एक अमरूद अगर अकेला पेड़ पे लगाओ तो वो कीमती है, और पूरे बाग में खड़े हो जाओ तो जिस मर्जी का तोड़ के खाओ। मुफ्त होना चाहिए, बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए, जब सरकार के लोग काम करने वाले इतने सारे वो ले रहे हैं लोगों के लिए, आम जनता क्या करेगा, सरकार को इतनी सुविधा मिलती है,
जो आप क्या बोलते हैं गाड़ी में जाओ ये जाओ वो जाओ, आम जनता के लिए बिल्कुल इंशाअल्लाह बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, वैक्सीन को लेकर ये भी बताया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि लोगों में अंदर इतना डर पैदा कर दिया है कि सबसे लोगों का कहना है कि सबसे पहले जो वैक्सीन हमारे जो मंत्री राजनेता हैं उनको लगनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जो डर है ना वो निकल जाए। तो ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले राजनेताओं को वैक्सीन लगनी चाहिए, मुखिया सबसे लास्ट में लेना चाहिए, पहले पब्लिक के लिए, मुखिया का नंबर बाद में, जो हम लोग अपने घर में करते हैं पहले बच्चों। नहीं, एक सेकंड, आपको थोड़ी कुछ गलती हो गई है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे लोगों के अंदर डर हो गया है, जैसे ये अफवाह फैलाई गई है कि वैक्सीन से ये लोग मर रहे हैं या वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो लोगों का ये डर दूर करने के लिए हमारे राजनेता मंत्रियों को वैक्सीन लगनी चाहिए पहले, ये डर हटाने के लिए सिर्फ, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, मैं एक बात बोलूं, अगर एक बार में 5 आदमी ने लगवा लिया और वो 2-3 महीने तक काम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ट्रायल से चल रहा है, पिछले ट्रायल से चल रहा है, अगर वो काम कर रहे हैं ठीक है तो सब में ठीक है, पर ऐसा नहीं कि जो पानी आप पी रहे हो वो पानी मैं पीऊं और मैं सही रहूं, हो सकता है कि आप जो पानी पी रहे हो मैं पानी पीऊं और बीमार पड़ जाऊं। देखिए, हाँ, कैसे पता चलेगा नेता को लग रहा है कि नहीं, हमारे सामने तो वैक्सीन लगेगा नहीं, अगर राजनीति की बात करें आप मैम, ठीक है, तो हमारा मानना है जैसे वैक्सीन के बारे में, अगर ये सही है सबके लिए, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होता है, सबको मुफ्त मिलना चाहिए, हम ये बोल सकते हैं। अब नेता को लगे या नहीं लगे उसके ऊपर डिपेंड करता है सरकार का, नेता तो पानी भर के लगवा लेगी, हम क्या देखने जाएंगे नेता से, आप हम आम जनता से कंपेयर नहीं हो सकता, बस इतना मालूम है। अगर वैक्सीन का ट्रायल सही आया है, अब तक जितने भी ट्रायल हुए सारे इसके सही आए हैं, तो वो सही है, अब उसके बाद में भी अगर किसी को हो जाए, फीवर हो जाए या कुछ हो जाए, साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत अगर किसी की बॉडी रिएक्ट करती है, हाँ, तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं, गवर्नमेंट ये भी जानती है कि हर किसी का ब्लड ग्रुप एक नहीं होता और हर किसी के दवाई की खाने की कैपेसिटी एक नहीं होती, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो उससे कोई फर्क नहीं वाली बात नहीं। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि दिल्ली में सिर्फ अभी 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी, और दिल्ली की जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या दिल्ली की बढ़ती जा रही है, तो एक दिन में अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी तो दिल्ली का पूरे लोगों को कवर हो पाएगा ये वैक्सीन, मतलब कितना वक्त लग जाएगा फिर? अभी तो फिलहाल सीरम ने 1,10,00,000 इंजेक्शन बनाए हैं, मैंने 2-3 दिन पहले समाचार में देखा था, तो उसी हिसाब से कैपेसिटी में जो सबसे हाई प्रोफाइल है उन्हीं को लगेगा, लेबर क्लास आदमी को हम जैसे को नहीं लगेगा, ये हम जानते हैं बात को। तभी तो लगेगा ना ये, जब लगेगा तब नंबर आएगा, 2-3 साल में, 2-3 साल में, इससे पहले नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 1,10,00,000 अब तक बनी है, अब कितनी जल्दी काम करेंगे, 125 करोड़ है, उन्होंने 700 कुछ रुपए रखी है इसकी, एक इसकी प्राइस इसका 700 कुछ रुपए, अब पहले तो उनके लिए होगा जो 700 रुपए खर्चा कर सकते हैं, और क्या फिलहाल के लिए तो मुफ्त है ना, लेकिन सर ये फिलहाल के लिए मुफ्त है, तो मुफ्त में नंबर किन का आएगा, एक भी पब्लिक का नहीं आएगा, पहले है जितने भी हेल्थ वर्कर्स है उनका पहले नंबर है, वो तो मुझे पता है ना, मैंने आपको मेडिकल स्टाफ जितना भी है पहले उनके लिए है, पब्लिक के लिए कब नंबर आएगा या कोई नहीं जानता, अभी तो 1,10,00,000 है, 2.5-3 करोड़ हमारी फोर्स भी है, उनके लिए भी बनेगा, उसके लिए भी समय चाहिए, फिर उसके लिए स्टेट के अंदर भी स्टाफ बहुत हो जाते हैं, तो सबका मिला करके हमारा नंबर तो भी बहुत पीछे है। आपका नाम? दीपक डवास। आपका? मनीष। दीपक जी, कल आज से कोरोना वैक्सीन स्टार्ट हो चुकी है, उसके बारे में आपका क्या कहना, आप उस पर कितना विश्वास कर रहे हैं वैक्सीन पर? मैम, विश्वास तो है ही, अगर मोदी जी ने कुछ लॉन्च किया है तो कुछ अच्छा ही क्या होगा देश के लिए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती तो वो लॉन्च होने ही नहीं देते वैक्सीन को, इसके लिए तो अच्छा ही है सबके लिए कि सब ठीक हो जाए, हम भी बाहर अच्छे से घूम सके बिना मास्क के, इसके लिए तो अच्छी बात है वैक्सीन आना। आपका क्या कहना है इसमें? मैम, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में, तो मतलब आपको कितना भरोसा है वैक्सीन के ऊपर? मैम, डॉक्टर्स वगैरह ने खुद अगर उसके ऊपर इतने टाइम तक एक्सपेरिमेंट करे है तो हम तो क्वेश्चन उठाने वाले कोई हुए नहीं ना। अच्छा, आपने कोविन ऐप के बारे में सुना है? हाँ, सुना तो है एक दो जगह पर। आपने इंस्टॉल किया हुआ है? नहीं, फिलहाल तो नहीं किया हुआ। आपने किया था? फिर अनइंस्टॉल कर दिया। अच्छा, तो ये पता है उस कोविन ऐप का क्या यूज़ है? उससे मैम हमें सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए और हमें सबसे दूरी बना के चलनी चाहिए, और उससे ये भी बोलते हैं कि पता चल जाता है अगर सामने वाले को कोरोना होता है तो उसके लिए है। अच्छा, अगर सरकार ये कहे कि वैक्सीन लगवाने से पहले रजिस्ट्रेशन होने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे? यस मैम, करवाएंगे, क्योंकि
अगर कुछ सेफ्टी है हमारे लिए है तो हम जरूर उसमें योगदान देंगे अपना, ताकि देश को लगे कि हाँ ये भी करवा रहे तो हम भी करवा पाए, ताकि दूसरों को ये लगे कि दूसरे भी सहयोग दे रहे तो हमें भी देना चाहिए। अगर सब ऐसा करेंगे तो फिर तो बेकार ही है वैक्सीन का लाना, अगर कोई वो नहीं करेगा तो रजिस्ट्रेशन वगैरह, उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन सहमत है इस चीज़ से, तो अच्छी बात है, हम भी करवाएंगे। आप? हम बिल्कुल कराएंगे, फैमिली मस्ट। मतलब रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप? अच्छा, आपको ये पता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ रही है, मतलब आईडी प्रूफ? नहीं मैम, बारे में आपको कुछ नहीं पता है? नहीं मैम, आपने कहीं पे पढ़ा भी नहीं है? मैम आधार कार्ड, मतलब जो फैमिली में होते हैं ना कि कितने मेंबर होते हैं, वो कार्ड का नाम भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, राशन कार्ड आधार कार्ड, ये यस। जैसे पॉपुलेशन काउंट होते हैं ना जिस तरह से, उसी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स वो यूज़ करते हैं उस टाइम पे, वो डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं, शायद इतना सुना है। अच्छा, वैक्सीन को लेकर बहुत सी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि वैक्सीन में मीट या मांस मिलाया जा रहा है उसको बनाने के लिए, या फिर वो ग्लूकोज का पानी है, तो ये अफवाहें सच लगती हैं आपको या झूठ? सच तो नहीं लगती, अगर सच होती तो वो पहले कितने बड़े डॉक्टर, उन्होंने पहले उनको चेक ही किया होगा, पहले यूज़ किया होगा तभी उसको लॉन्च किया है, वरना अगर इतनी प्रॉब्लम होती तो वो करते ही नहीं। और एक अफवाह ये भी थी कि उससे नपुंसक हो जाते हैं, हाँ। तो उससे हमने उसकी वीडियो देखी थी इस बारे में भी, लेकिन वो बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो हम इसको लॉन्च ही नहीं करते। तो ये तो अफवाह तो उड़ाते ही हैं अपोजिट पार्टी वाले, उनका तो काम ही यही है, कुछ भी गवर्नमेंट करती है तो कोई ना कोई होता है जो पैर अड़ाता है बीच में, वो देश को थोड़ी देखते, वो तो अपना प्रॉफिट देखते हैं बस उसमें, इसलिए। मैम ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है ना कि डॉक्टर पागल थोड़ी है, जो पिछले कम से कम जितना मैंने सुना है लास्ट 2 मंथ से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो बिना एक्सपेरिमेंट के ही पॉपुलेशन उसमें ला देते ना इस चीज़ को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल इस वैक्सीन के कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएंगे, मतलब इसमें कामयाब रहेंगे वे पूरे काम के लिए? मैम कामयाब हो जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके भी लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, तो कामयाब तो अगर हम साथ देंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, अगर हम साथ नहीं देंगे तो अकेले में तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। मैम केजरीवाल के लिए तो नो कमेंट्स। कारण पूछ सकती हूँ आपसे? मैम जितनी भी अब तक न्यूज़ देखी है पढ़ी है, आज तक उस बंदे ने जो अपने फेस टू फेस हो गए पब्लिक से जो उसने बोला है ना, आज तक एक भी बात उसने पूरी नहीं करी है। तो आप कोई एक दो बातें गिनवा सकते हैं जो केजरीवाल ने पूरी नहीं करी? मैम जैसे बीच में उसने ये बोला था कि जब तक कोरोना चलेगा तब तक मैं हर स्टेट, मतलब अपने पूरी दिल्ली में राशन जो है फ्री कर दूंगा, जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, मेरा खुद का राशन दफ्तर है सरकारी, लेकिन अभी भी है ना उसमें पैसे दे के राशन मिलता है, इस मंथ से ऐसा हो गया है, पिछले मंथ तक तो मिलता था, इस मंथ से ऐसा हो गया कि पैसे दे के राशन मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यही होगी ना मैम, क्योंकि वही बात है, जो लोग राशन अफोर्ड कर सकते तो वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते ही नहीं, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर भी उनको पे करना पड़ रहा है, पे कर सकता है अगला, लेकिन एक बंदे ने सामने से आके बोला है कि आप लोग को इस चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो बंदे फिर उस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी बात भी झूठ है ना। मतलब केजरीवाल जो बात बोलते हैं वो लागू नहीं होती है, कर जाते हैं अपनी बात, ट्रस्टेड बंदा नहीं है। और अच्छा, वैक्सीन केजरीवाल ने ये भी बोला है कि वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, तो ये अभी के लिए बोला है उन्होंने, क्या लगता है कि बाद में वो इस चीज़ के पैसे लेंगे? मैम लास्ट आप वैक्सीन आने के बाद 2 मंथ के बाद देख लेना, हर मेडिकल स्टोर में वैक्सीन बिकेगी, वो मिलेगी नहीं वो बिकेगी सीधी। आपको क्या कहना है? मैम अगर फ्री हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जो पुअर होते हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि जो प्राइवेट मेडिकल वगैरह ये तो बेचेंगे उसको, लेकिन जो पुअर है जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो उन्होंने फ्री करना ही चाहिए, मतलब उनके लिए मुश्किल हो जाए। यस मैम मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि वो मुश्किल से तो अपना खाना पीने का पैसे इकट्ठे कर पाते हैं ताकि वो शाम को खाना वगैरह खा सके, अगर वो उस चीज़ में पैसे लगाएंगे फिर वो खाएंगे क्या, तो उसके लिए अच्छी है कि फ्री हो। वैक्सीन आने के बाद क्या लगता है कोरोना खत्म हो जाएगा बिल्कुल जड़ से? मैम उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन 1% हो जाए तो अच्छी बात है, वरना अब क्या कर सकते हैं उसको, नहीं हम तो रोक नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट या जो मेडिकल वगैरह इन्होंने कुछ वो करना पड़ेगा, अगर वो कह रहे हैं कि वैक्सीन आई है तो कुछ होगा तो अच्छी बात है, हम तो उसी का वेट कर रहे हैं कि ख़त्म हो कोरोना ताकि हम भी अच्छे से घूम सके। आपको क्या लगता है कि वैक्सीन जो आज से स्टार्ट हो चुकी है जब सब लोगों को लग जाएगी तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, या वही
हिसाब रहेगा कोरोना का जो अभी चल रहा है? मैम ये तो लाइफ टाइम ही रहेगा, जैसे कोई भी बीमारी आती है, जैसे पब्लिक को नहीं पता डेंगू भी कुछ होता है, लेकिन डेंगू आया, उसकी दवाई भी आई साथ में, कुछ टाइम बाद आई लेकिन दवाई भी आई, लेकिन डेंगू आज भी लोगों को होता है, तो ख़त्म तो नहीं होगी। अगर कोई बीमारी आई है तो ये चीज़ ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन ये है जितनी सेफ्टी हम अब ले रहे हैं ना, उस टाइम उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा वैक्सीन आने के बाद। मतलब आपका कहना ये है कि वैक्सीन लगने के बाद हमें मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इतना ज़रूरी नहीं रहेगा? नहीं नहीं, ज़रूरी तो होगा, अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जो एक बंदा है ना इस टाइम एक बंदिश में रह रहा है कि मतलब ये चीज़ मस्ट है, वो मस्टनेस उस चीज़ की थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, ख़त्म तो नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए जल्दी से, लेकिन वो जो एक होता है ना कि बंदा मजबूरी के कारण भी कि पहनना पड़ रहा है, मास्क पहनना पड़ रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत कम जरूर हो जाएगी। कि ये हो जाएगा कि दवाई आ चुकी है, मेन बात ये है कि अगर किसी को होता है ना उसमें टेंशन लेने की जरूरत है, बंदा दवाई खाएगा ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर। आपका नाम? हाँ भानु शर्मा नाम है। हाँ भानु शर्मा। आपका? मेरा राजकुमार। ऐसे आपको पता है आज से वैक्सीन स्टार्ट होने वाली है, तो आपको वैक्सीन के ऊपर कितना भरोसा है? भरोसा तो आप स्टार्ट होएगा जब पता लगेगा ना, मतलब जब शुरू शुरू में लगेगा क्या मतलब उसके इफेक्ट हैं और क्या रिएक्शन है। आपका अपना खुद से क्या विचार है कि उसका जो असर होगा वह सही होगा कि नहीं होगा? अपने विचार बताएं। मतलब रिसर्च किया तो सही होगा। आपका? मेरे को जहाँ तक लगता है 50-50। 50-50। क्योंकि जैसे रशिया में भी वैक्सीन आया था पहले, तो और ब्राज़ील में भी शायद, चाइना में भी है अभी, पर जहाँ तक पूरा कामयाब नहीं है जो वैक्सीन है, मतलब देखते हैं आगे क्या होता है, पर मुझे लगता है 50-50 है इसके चांस। अगर सरकार आपको बोले कि वैक्सीन लगाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप उनके जो निर्देश हैं उनको फॉलो करोगे? रजिस्ट्रेशन कराना सही लगता है आप? रजिस्ट्रेशन कराना तो मतलब क्या, मतलब इसमें टाइम का थोड़ा होगा दिक्कत? हाँ मतलब जैसे कि एक दो दिन पहले आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ कहा जाता है सरकार के द्वारा। फॉलो करना पड़ेगा और क्या। मुझे लगता है अच्छा आइडिया है, अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें मालूम होगा कि किसने लगाया है, मतलब और हमें कितनी मात्रा में हमें डोजेज चाहिए वैक्सीन के, तो उसे पता चल जाता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कुछ दस्तावेजों मतलब यानी कि आईडी प्रूफ्स की ज़रूरत है, तो उसके बारे में आपको कुछ पता है कि ये आईडी प्रूफ्स क्यों मांगे जा रहे हैं? इसका तो कुछ पता नहीं मुझे, कुछ नहीं पता है। नॉट दैट मच, बट आइडिया मुझे लगता है जैसे दस्तावेज, जैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है या कुछ भी, मतलब जो नेशनलिटी नेशनल कार्ड है, तो उससे ये रहता है कि आपको एक वो होता है, कैलकुलेशन हो जाता है ना कि गवर्नमेंट के पास इतना हमारे पास ये है पॉपुलेशन है और इतने हमें डोजेज चाहिए, इतने ठीक हो गए हैं या नहीं हुए हैं, सिर्फ मतलब एक वो आ जाता है, कैलकुलेशन आ जाता है। आपने सुना होगा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर ना बहुत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं अभी भी, कि जो कोरोना की वैक्सीन है उसमें मीट या मांस मिला, मांस से बनी है वो, या फिर वो ग्लूकोज के पानी से बनी है, या वो ग्लूकोज का पानी, ऐसे कुछ बातें बन रही हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है, ये अफवाह उड़ाना सही है? तो देखो जिस भी चीज़ से बन रही है मतलब बंदा तो ठीक होएगा ना, मतलब आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो सच में ही ऐसी कुछ चीज़ों से बनी होगी? मैम ऐसा है ना, देखो दवाई भी कुछ ना कुछ मतलब मांसपेशियों से, मतलब मीट वीट से ही बनता है शायद मेरे ख्याल से, तो दवाई में तो लगता है मतलब कुछ ना कुछ रिसर्च करके तो निकाला होगा ना इन्होंने। मुझे भी लगता है कि जहाँ तक हमें जो मेडिसिन है या वैक्सीन, उस पर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी साइंटिस्ट हैं हमारे या डॉक्टर हैं उन्होंने रिसर्च करके मतलब वो किया होगा, तो उसे हमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका ये जो कोरोना का वैक्सीनेशन का जो पूरा काम है, ये सफलतापूर्वक कर पाएंगे वो पूरी दिल्ली को लेकर? मतलब कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, तो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? एज ए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में बहुत पॉपुलेशन है, तो जैसे हमने पहले बताया ना कि रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, तो रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो कितने बंदे हैं यहाँ पे दिल्ली में, कितनी पॉपुलेशन है और कितनी डोजेज चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस काइंड ऑफ टफ जो जॉब है या डॉक्टर के लिए या जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए, इवन मुख्यमंत्री जी के लिए भी। अच्छा, आपने ये सुना है कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त है, तो आपकी इसमें क्या राय है कि ये मुफ्त आगे भी होनी चाहिए या अभी फ़िलहाल के मुफ्त है, या बाद में केजरीवाल जी इसके पैसे लेंगे?
ऐसा ना मैम, देखो अब यहाँ पे हर तरीके का आदमी है, मतलब 4,000 कमाने वाला भी है, 10,000 कमाने वाला भी है, लाख कमाने वाले भी हैं। तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने का वैक्सीन आएगा, मतलब लोग जो 4,000 की कीमत कुछ 700-800 कीमत रखी गई है, 700-800 देने के लिए भी नहीं तैयार है ना यहाँ पे लोग। लेकिन अभी के लिए मुफ्त है, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुफ्त है वो, तो आगे आपको क्या लगता है केजरीवाल इसके पैसे लेंगे? ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं केजरीवाल। मुझे लगता है नहीं लेंगे, पर नहीं लेना चाहिए उन्हें, क्योंकि लेंगे वो हैं ऐसे बंदे हैं, वो पहले देते हैं फिर डबल में लेते हैं। तो हमसे ही लेंगे, पर ऐसा ही नहीं कि मतलब गरीब जनता बहुत है यहाँ। हाँ, गरीब के लिए हाँ, तो जहाँ तक फ्री होना चाहिए आगे भी और अभी भी। अच्छा, वैक्सीन खत्म, मतलब वैक्सीन अभी शुरू हो गई है और जब सब लोगों को लग जाएगी उसके बाद हमें ये मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हमारा तब भी जारी रहेगा वैक्सीन लगने के बाद भी? मुझे लगता है जहाँ तक रहेगा, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और हमें अभी भी नहीं पता कि मतलब ये जो वैक्सीन है मतलब ठीक होएगा नहीं होगा, कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। हमारा जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है हमें करते रहना चाहिए, रहना चाहिए जब तक मतलब नहीं, अब तो ये लाइफ टाइम ही फॉलो करना चाहिए ऐसी चीजें। क्यों? कोरोना वैक्सीनेशन प्रोसेस पर देखिए हमारे सहयोगी पूजा पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन प्रोसेस पर देखिए हमारे सहयोगी पूजा पांडे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं, भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। वेंटिलेटर जैसे देश में मेरा रंजू सिंह है, कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी, हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज बाहर जाके वैक्सीन 2300 से ज्यादा लैब का नेटवर्क। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और वो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी बने हैं वैक्सीनेशन के पहले चरण की। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और मुबारकबाद कि हमारा वैक्सीनेशन जो है पहला चरण सफलतापूर्वक हो गया है और यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने टीकाकरण करवा भी लिया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों के मन में डर है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जब लॉन्च हुआ है और दादादेव हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ एकमात्र सरकारी अस्पताल है, लगभग इसमें 350 स्टाफ है और सबसे पहले दादादेव के एमएस ने खुद डॉक्टर ब्रजेश जी ने इंजेक्शन लगा के सेट कर दिया कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। जब लीडर लगाता है तो फॉलोअर्स अपने आप फॉलो करते, तो मैं डॉक्टर ब्रजेश को बधाई दूंगा क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया सबसे पहले इंजेक्शन लेके। अब मुझे लगता है कि जब उसको ICMR ने और पूरे देश के जब प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई संशय होना चाहिए और निश्चित तौर पे तमाम इसमें जो प्रोस एंड कॉन्स है वो देख के इसको लॉन्च किया होगा। इसके अलावा सर, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार फ्री में दिल्ली वासियों को वैक्सीन नहीं देती तो वो वैक्सीनेशन फ्री में राज्य सरकार देगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केजरीवाल जी के बहुत स्वागत करूंगा इस स्टेटमेंट का, क्योंकि आज ये ऐसी आपदा थी जिसको कोई पता नहीं थी और इसमें इस आपदा में इकोनॉमिक लॉस भी बहुत हुआ है, लोगों को आर्थिक हो चाहे बहुत सारी तंगियाँ आई, और ऐसे में अगर एक सरकार उनके लिए सोच रही है और उनके हेल्थ के बारे में सोच रही है इससे अच्छी बात कुछ नहीं हुई। मैं अरविंद जी की स्टेटमेंट का स्वागत करूँ, उनको बधाई देता हूँ कि इस तरीके से सोच रखते हैं कि अपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात उनकी जो सुरक्षा मानक है उसको ध्यान रखते हुए जो उन्होंने बातें कही वाकई में, और दिल्ली ने जिस तरीके से आज तैयारी की, 81 जगह पर इंजेक्शन लग रहा है तो व्यापक तौर पर तैयारी की, उसके लिए मैं दिल्ली सरकार को बधाई देता हूँ। इसके अलावा सर, एक सवाल ये है कि वैक्सीनेशन को लेके जो राजनीति है वो थम नहीं रही है, लगातार राजनीति की जा रही है वैक्सीनेशन को लेके, इस पर आपका क्या विचार है, क्या ये सही है? नहीं, मैं इसमें बिल्कुल इसको मैं गलत मानता हूँ और ये बीमारी है और बीमारी पे हमेशा लोगों की सुरक्षा की जहाँ तक बात हो हमें राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। और आपने देखा होगा हमारी सरकार ने हमेशा जो भी SOPs आए, जो भी गाइडलाइंस आई केंद्र सरकार से, किसी भी बात पे अरविंद जी ने कभी भी डिनाई नहीं किया और जो भी SOP गाइडलाइंस आए उसको फॉलो किया। तो हमारे लोगों की हेल्थ पहली प्रायोरिटी है और उसमें जो SOPs आएंगे लोगों को बचाने के उसको हम फॉलो करेंगे और राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की सुरक्षा की बात करेंगे। फिलहाल दिल्ली में 81 सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, जिसको आगे कुछ ही हफ्तों में 700 के पार करने की योजना है और उसके बाद 1000 का आप टारगेट लेके चल रहे हैं, वो 1000 का टारगेट आप कब तक पूरा कर पाएंगे?
देखिए कि अभी पहला दौर आज शुरू हुआ है, चार हमारे यहाँ जैसे दादादेव में मैंने आपको बताया 350 स्टाफ है, तो चार दिन में यहाँ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे जैसे हमारे पास जो है वैक्सीनेशन आता जाएगा वैसे वैसे हम तैयारी भी बढ़ाते जाएंगे कि अभी तो पहला दौर इसको एक बार देख लें, पहले ड्राई रन किया वो सफल हुआ, अब ये एक बार ये ड्राइव सफल हो जाए उसके बाद जैसे जैसे गाइडलाइंस आएंगे वैसे हम लोग चेंजेस भी करते जाएंगे। और जो पहली वैक्सीन की खेप है कोविशील्ड की वो दिल्ली को ज़रूरत थी 270,000 की, आपको 240,000 की, आपको केंद्र की तरफ से 274,000 वैक्सीन मिली है जो कि पर्याप्त होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो आप केंद्र की तरफ से जो वैक्सीनेशन की खेप आई है उसको लेकर संतुष्ट है? बिल्कुल, ये तो हमारे को जो आएगा हमें उसकी तैयारी करनी है, जैसे आपको पता है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से बाउंड है तो जो केंद्र सरकार देगी उसमें हम लोग काम करेंगे। और केंद्र सरकार के साथ मिलकर आप इस टीकाकरण को सफल बनाने की योजना? बीमारी से लड़ने के लिए हम सबको एक होना चाहिए, सभी पार्टी की हित से उठकर काम करना चाहिए। जहां मैंने पहले भी कहा जहां लोगों के हेल्थ की बात है वहां हमारी सारी सोच खत्म हो, उनको कैसी जान बचानी हो, कैसी सुरक्षा देने, इस पर होनी चाहिए। और इसके लिए सभी को राजनीति से उठकर पार्टी से उठकर बात करनी चाहिए। सर आखिरी सवाल मेरा, दिल्ली में वैक्सीनेशन मुफ्त है तो इससे क्या लगता है दिल्ली की जनता जो है वो वॉलंटरीली आगे आएगी वैक्सीनेशन के लिए बाकी राज्यों के मुकाबले? बिल्कुल, दिल्ली में आपने देखा कि सबसे पहला राज्य है दिल्ली में जहां आज जो है जो संक्रमण सबसे कम है, कल 300-350 कुछ केसेस आए थे और सबसे ज़्यादा टेस्ट पूरे देश में अगर कहीं हुआ तो दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली के लोग बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है, यहाँ की सरकार उनके लिए बहुत काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही अगली जब अगला टीकाकरण आएगा तो दिल्ली उसमें भी अव्वल नंबर पर रहेगा। थैंक यू सो मच सर मुझे बात करने के लिए। तो ये हैं दिल्ली के विधायक, दिल्ली के द्वारका आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा जी, जिनका कहना है कि दिल्ली सरकार वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह तैयार है और वैक्सीनेशन के लिए वो केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर टीकाकरण की इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जुटी हुई है। आपने इस विषय पर आम जन की राय सुनी, जनता की बात सुनी, मतभेदों और अफवाहों के मध्य में वैक्सीन किस दोराहे में खड़ी है। लोगों का मत जो भी हो, एक बात सबके बीच साफ है कि कोरोना के खिलाफ हमें जंग एक देश के रूप में लड़नी है, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। सहयोगी सुमित के साथ मैं नेहा परिहार, दिल्ली मीडिया दरबार, धन्यवाद।